आज हम बात करेंगे उन सितारों के बारे में जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे संजय दत्त का। संजय दत्त इस इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन वो बॉलीवुड के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल लोगों में से एक है। वो डेंजरस वेपन्स को इलीगल तरीके से अपने पास रखने के लिए गिरफ्तार हुए थे। उनको 9mm की AK-56 राइफल के साथ पकड़ा गया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताड़ा के अंदर 5 साल की सजा सुनाई थी। आगे हम बात करेंगे सलमान खान की। सलमान खान बॉलीवुड के बैड बॉयज की लिस्ट में सबसे ऊंचा नाम है। उनके नाम से कई क्राइम केसेस जुड़े हुए हैं। काले हिरन के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के खूब चक्कर काटने पड़े। हाल ही में उनको कोर्ट से थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन सुल्तान का क्रिमिनल केसेस में कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पे आते हैं शिने आहूजा। शिने आहूजा को 2009 में अरेस्ट किया गया था। उन पर उनकी 20 साल की ओल्ड मेड का रेप करने का आरोप लगा था। उनके ऊपर इसी इंसिडेंट से एक दिन पहले उसी मेड को मॉलेस्ट करने के चार्जेस भी लगाए गए थे। शुरुआत में शिनी अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को झूठा बता रहे थे, लेकिन पुलिस के स्ट्रिक्ट एक्शन ने उन्हें अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया। इस केस ने उनके एक्टिंग करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया। आगे हम बात करेंगे SR के, यानी कि शाहरुख खान की। शाहरुख खान के खिलाफ 2012 में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हुआ था। ये इंसिडेंट IPL मैच के बाद वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ये केस रजिस्टर्ड हुआ था कि सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने गाली दे दी थी और MCA ऑफिसर से लड़ाई भी की थी। बाद में शाहरुख खान को मुंबई पुलिस के द्वारा इस केस में क्लीन चिट मिल गया था। आगे मैं बात करूंगी जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम एक बार रैश ड्राइविंग के लिए पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए थे। ये इंसिडेंट 2006 में हुआ था। इसमें सेशन कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की सजा सुनाई थी और पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया था, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी पास कर दी थी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज।